हैदराबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। ये घटना हैदराबाद के कुकटपल्ली के वेंकटेश्वर नगर की है। विधवा ईश्वर अम्मा को अपने मृत बेटे के मृत शरीर के साथ रात भर घर से बाहर रहना पड़ा। घर के मालिक ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। इस दौरान मूसलधार बारिश भी हो रही थी और वो विधवा माँ अपने बेटे के शव के साथ रात भर घर के बाहर बैठी रही। आपको बता दें कि मकान मालिक ने महिला को घर में घुसने नहीं दिया, इस कारण महिला को अपने बेटे के शव के साथ रात भर घर के बाहर बैठना पड़ा। ये मामला हैदराबाद के वेंकटेश्वर नगर का है, जहां रोड पर बैठी महिला को देख आसपास के लोगों ने इस दुखदायी दृश्य को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया। गौरतलब है कि अस्पताल में डेंगू से 10 वर्षीय सुरेश की मौत हो गई थी। जब उसकी मां अपने बेटे के मृत शरीर को घर लेकर आई तो मकान मालिक ने ये बहाना बनाते हुए घर में घुसने से मना कर दिया कि बच्चे के मृत शरीर उनके परिवार के लिए अशुभ होगा। सुबह होने के बाद इलाके के लोगों ने देखा कि ईश्वर अम्मा को अपने बेटे सुरेश के मृत शरीर के साथ बैठा देखा और उसके बाद लकड़ी के बक्से को लाकर बच्चे का शरीर उसमें रखा गया। इलाके में खबर फैलते ही स्वयं सेवकों ने भी अंतिम संस्कार के लिए धन जमा किया, जिससे बच्चे का अंतिम संस्कार कार्य हो सके। द न्यूज इंडिया घर के मकान मालिक के व्यवहार की कड़ी निंदा करता है और पुलिस से मकान मालिक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी मांग करता है।